देखो जरा कौन सा क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना था। 25। 25। मिसलिनियस तो नहीं आ रही ना आपके? आर्य आ रही है? मैंने तो सुना नहीं आ रही है। पता किसने बोला पूरी आ रही है? पूरा नहीं, राजा कह रहे थे नहीं आ रही है। देखो नहीं, पूरा चैप्टर आ रहा दोबारा कंफर्म कर लो। श्योर दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन 25 करना है ना हमें। सेमी है। हाँ जी, वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल। तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है? ये जो होता है ये सेमी वर्टिकल एंगल होता है, ठीक है? वाला हाँ ऊपर वाला। देखो करना सर को ये कंफ्यूजन होगी कि मोस्ट क्लासेस में ना उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यहाँ तक कराया 6.3 तक, उसके बाद दे जंप टू इंटीग्रेशन बिकॉज उन्हें सिलेबस कंप्लीट कराना था, बट मिसलेनियस उन्होंने इंटीग्रेशन बाद तक स्टार्ट कराई नहीं है। हुआ। हमारा इंटीग्रेशन तो स्टार्ट नहीं हुआ, स्कूल में इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, अब नहीं कल ही नहीं राजेश सर का इंटीग्रेशन शुरू थोड़े ना हुआ अभी। नहीं, उनका वो नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ कि उन्हें जिसने भी बोला होगा ना, कुछ स्कूल में यही हुआ है कि स्कूल में सारी क्लासेस में हर एक सेक्शन में उन्होंने पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6.3 तक खत्म करा है और उसके बाद इंटीग्रेशन कराया है। उन्होंने मिसलिनियस छोड़ दी बट मिसलिनियस सिलेबस में है, उन्होंने बोला था हम इंटीग्रेशन की बात कराएंगे। हमारी क्लास में भी कल यही हुआ है, मिसलिनियस मैम ने बाद में कराया। ओके अच्छा चलो देखो जरा ये हो गया। ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और ये कौन हो गया। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कौन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या प्रूव करना है आपको? वॉल्यूम को मैक्सिमम मैक्सिमम प्रूव करना है। 1/3 पाई। एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट। गिवन क्या है आपको? स्लांट हाइट आपको गिवन है, एल गिवन है, ठीक है? गिवन स्लांट हाइट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2, ठीक है? टेंजेंट इनवर्स √2 ये प्रूव करना आपको। ये तो 2 प्रूव है, द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ मैक्सिमम सिर्फ आपको स्लैंट। स्लांट हाइट गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है और अल्फा को ये प्रूव करना है, ठीक है? एक तो स्लांट हाइट मान लो इसका हाइट h है, रेडियस r है, तो स्लांट हाइट का फार्मूला क्या होगा? एल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर। एल स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच स्केयर, एक तो ये फार्मूला होता है। अच्छा वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 π r। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? 1/3 π r² h। वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब इसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है तो यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। तो फिर हम स्क्वायर को कैसे करें? एच की वैल्यू डालेंगे तो वो रूट में आएगी, इसलिए हम आर की वैल्यू डाल लेते हैं। आर एच स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी ना डायरेक्ट। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो ब्रैकेट ओपन कर देना, तो फिर 1/3 स्क्वायर माइनस। सो रेच फॉर्म यू कौन सा एच डेरिवेटिव करते हैं? डेरिवेट करते हुए एच का भी तो आएगा। एच का डेरिवेटिव 1 हो गया, एल स्क्वायर बचा सिर्फ। एच क्यूब का डेरिवेटिव 3 h² हो गया। अच्छा तो हम, अच्छा एल तो हमारा कांस्टेंट है, सॉरी एल का डेरिवेटिव नहीं होगा। हाँ एल कांस्टेंट है। ठीक है,
एल स्क्वेयर की वैल्यू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 2 एच स्क्वायर आ गया। तो यहाँ तक समझ आ गया कि आर स्क्वायर इक्वल टू 2 एच स्क्वायर। उसके बाद एच स्क्वेयर को नीचे ले आए तो आर स्क्वेयर अपन एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 हो गया। आर अपन एच का होल स्क्वेयर लिख दिया इसको, दैट इज इक्वल टू 2, तो आर अपन एच की वैल्यू आ जाएगी √2। ट्राइंगल से देखो आर अपन एच क्या है, हाइट अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन अल्फा होता है, तो आर अपॉन एच की जगह टेन अल्फा लिख दिया, तो अल्फा कितना आ गया, टेंजेंट इनवर्स √2। अल्फा आ गया टेंजेंट इनवर्स। ठीक है, और अब हमें वो भी मैक्सिमम प्रूफ करना है, तो वॉल्यूम, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जी टू वी अपॉन डी एच टू निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/3 पाई। एल स्क्वेयर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, थ्री तो एच माइनस करेंगे तो -6 h हो जाएगा। 1/3 पाई इंटू -6 h वो कट लेस 0 ही आएगा, -2 पाई h, ये लेस। -2 पाई एच इज लेस देन 0, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ठीक है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम 26 वॉल्यूम मैक्सिमम एट व्हाट पॉइंट? एट सर तुम्हें कुछ प्रूव नहीं करना था कि एट व्हाट, बाकी इसी कंडीशन पे होता है, इस कंडीशन पे होता है, इस कंडीशन पे होता है। तो फिर हम ये लिख दे, देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम बस। वो हाँ इतना ही लिख के छोड़ दो, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √2, ऐसे लिख दो। उस कंडीशन पे होता है जिस कंडीशन पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, तो वहां से जो कंडीशन आई वो लिख दो। 26 में क्या कह रहा है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कॉन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर गिवन सरफेस एरिया, सेमी वर्टिकल एंगल तो राइट सर्कुलर कॉन ऑफ गिवन सरफेस। आपको कौन का सरफेस एरिया गिवन है, ये कौन हो गया, ठीक है, इसका सरफेस एरिया एस। अब ये तो नहीं बोला कि कौन सा सरफेस एरिया, तो हम तो दोनों ही लेंगे फिर, पाई आर एल बताओ, प्लस पाई आर स्क्वेयर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, ठीक है, ये ए बी सी, एस इज पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, ये हमारा सरफेस एरिया है। तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर हमारा सरफेस एरिया हो गया। क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है। वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये होता है। वॉल्यूम को मैक्सिमम, ये गिवन है, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूफ करना, और साइन इन इनवर्स 1/3। और वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा को क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अल्फा बाय इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ये भी प्रूव करना है, ठीक है, ये 2 प्रूव है। वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम को पहले तो चेंज कर लेंगे आर स्क्वेयर, एच की वैल्यू कितनी होती है, अंडर स्क्वेयर √L² - R² पहले एच की वैल्यू को ही लिख लेंगे। बट फिर इसमें तो रूट आ गया, आर
आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चेंज कर रहे, एल अच्छा बट स्क्वायर एच माइनस आर बट स्क्वायर, एच स्क्वायर, तो फिर एच स्क्वायर आ जाएगा और एच स्क्वायर है नहीं। एल स्क्वायर आ जाएगा और आर निकालना इजी भी नहीं है। यहाँ से एल की वैल्यू निकालो, 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट। एल की वैल्यू यहाँ से निकलेगी तो आएगी एस माइनस पाई आर स्क्वायर। पर नहीं, एक सेकंड, तो अभी हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में जो उसी का वॉल्यूम बाई फॉर्मूला था उसी में हमने उसकी वैल्यू चेंज करी अभी एच को एच चेंज किया है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच को का। चेंज किया एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और उसके बाद हमने एल की वैल्यू डाल दी। तो फिर हमारी एल की वैल्यू होगी L इज इक्वल। एल की वैल्यू गिवन से फाइंड करनी है, एस से फाइंड करनी है। S-π r² / π r = L। तो फिर उसकी वैल्यू डालेंगे, वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर पाई स्क्वायर आर फोर -2s पाई आर स्क्वायर। तो आप उसका वो स्क्वायर होल स्क्वायर खोल रहे हो पहले। हाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वैल्यू होती है। एस स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर फोर एक और पाई स्क्वायर भी तो होगा, आप मतलब आर स्क्वायर। वो तो बाद में आएगा ना, अंदर एलसीएम ले लो। एक सेकंड, ये हो गया S² R² अगर हम अंदर एलसीएम लेंगे तो आएगा S² - 2 π r² s + π r² π² r² - π² r² 4। तो हाँ, पाई ये स्क्वायर वो आर फोर। दोनों क्रॉस आउट हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, रूट के अंदर बचा हमारे पास एस स्क्वायर -2 एस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर पाई आर। पाई स्क्वायर आर का क्या बन गया? पाई आर बन गया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर बचेगा। तो आपने अच्छा उसका रूट हटा दिया तो वो पाई आर बन गया, तो ये हाँ, तो हमारे पास 1/3 r√s² - 2 s π r² बचा। ठीक है, ये अब इसमें स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि रूट खत्म हो जाए, नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत दोनों साइड क्या कर देते हैं? स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि रूट खत्म हो जाए। वी स्केयर इज इक्वल टू दिस 1/9 r² × s² - 2 s π r² इसको जेड पुट कर लेते हैं, इसको हमने जेड पुट कर लिया तो ये क्या बन गया? 1/9 आर स्क्वेयर। अच्छा, अंदर से एस एस बाहर निकाल लो और इस आर स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर से एस बाहर निकलेगा तो यहाँ एस बचेगा और आर स्क्वेयर अंदर चला जाएगा, एस आर स्क्वेयर -2 पाई आर स्क्वेयर। नहीं, 2 हाँ, पाई आर 4
हो जाएगा, निकालो यहां से डी जेड अपॉन डी आर निकालो। अपॉन वन बाय नाइन एस टू एस आर माइनस 8 पाई आर क्यूब। अब इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। ठीक है, अब अब इसे 0 की इक्वल इक्वेट कर दे। हाँ इसको 0 की इक्वल कर दो, पुटिंग डी जेड अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। तो 2SR-8πR³ इज इक्वल टू 0। 2 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, आर भी निकल जाएगा, S-4πR² इज इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। 2S को यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, 2R को कॉमन ले लिया, तो यहाँ S बचा, -4πR² बचा, दैट इज इक्वल टू 0। तो 2R तो 0 नहीं होगा, 0 क्या होगा, S-4R² एस की वैल्यू हमें गिवन थी 4πR, एस हमारा क्या था, πR², एस πRL πR², πRL प्लस πR² यही हमारा एस था, सरफेस एरिया जो इनिशियली हमने लिया था। पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इज इक्वल टू 4πR² पाई आर एल इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस माइनस पाई क्या प्लस पाई आर स्क्वेयर -4πR² दैट इज एल इक्वल टू, तो इक्वल टू 3 आर। पाई आर एल -3πR² इज इक्वल टू 0। पाई और आर कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे, एल माइनस 3R इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 3R। ठीक है, यहाँ से इसको आप लिख दो 1/3 इज इक्वल टू R/L। 1/3 इज इक्वल टू R/L। तो R/L होगा हमारा R/L। बेस अप बट R/L तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं हुआ। R/L क्या हो गया, बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो अपॉन वो हाइप, कॉस हुआ। नहीं दिस इज आर, दिस इज एल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, साइन परपेंडिकुलर एल्फा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होगा, ओ हाँ एडजेसेंट होगा वो बेस होगा, तो बेस एच होगा। ओ हाँ सॉरी साइनर। तो यहाँ पर अगर हम ये चीज डालते हैं 1/R/L के जगह साइन 1/3 इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ से आएगा अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। साइन 1/3 हाँ और वॉल्यूम मैक्सिमम तो अब इसको सेकेंड सेकेंड डेरिवेटिव करो, डी डी टू जी अपॉन टू जेड अपॉन डी आर टू 1/9S माइनस 2πR का डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा, एस माइनस माइनस 20 24 पाई आर स्क्वायर। 1/9S-24πR² इसमें अब अर्थ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे। एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, इंस्टेड एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बजाय हम आर की वैल्यू, इसकी वैल्यू करते हैं, फोर पाई एस आर की क्या है, देखो वही तो एस है एस की वैल्यू है ना वो 4πR² इज इक्वल टू एस,
हाँ 24 के लिए इसको 6s, 6x इज इक्वल टू 24 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम हमने उसके 4 पाई आर स्क्वायर के कर दे उसके करने को। 1/9s इंटू -4s, -4/9s² दैट इज लेस देन 0। देयर फोर वॉल्यूम इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम, जेड इज मैक्सिमम, हेंस वी इज मैक्सिमम, जेड मैक्सिमम वी भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल 38 देख ले रहा हूँ। थ्रू दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एग्जाम्पल वैसे क्वेश्चन बता दो, कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरी बुक में 38 एग्जाम्पल्स ही नहीं है, 37 है। मिसलेनियस से जस्ट पहले वाला हाँ मेरा, मिस लेने से जस्ट पहले वाला है मैन्युफैक्चर ऐसे एक्स। वाला है, ये देखो ये से वाला। ठीक है, ये मैंने फिगर देखी है, देखो ये मिसलेनियस वाला पहले वाला नहीं, एक्सरसाइज का लास्ट। मेरे लिए। हाँ 26 है ये मेरे लिए। ये क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, गलत बना दिया, कौन के अंदर बना हुआ है, ये कौन है, कौन हाँ कौन के अंदर कौन के अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है। थ्रू दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका रेडियस क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, लास्ट लाइन पढ़ो, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कौन, इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कौन, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कौन। सिलेंडर का रेडियस अगर आर है और कौन का रेडियस कैपिटल आर है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो सिलेंडर का रेडियस है दैट इज हाफ ऑफ कौन। कैसा कौन, कैसा सिलेंडर, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कौन, सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया वो कैसा है, ग्रेटेस्ट तो मैक्सिमम मैक्सिमम प्रूव करना है, सो ये गिवन नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम को भी गिवन होता है, वो तो करना होता है, तो गिवन क्या है मिस क्वेश्चन में? कौन दिया हुआ है तुम्हें, गिवन कौन है, कौन पकड़ा दिया आप, कहता है इसके अंदर सिलेंडर बनाओ, सिलेंडर ऐसा बनना चाहिए जिसका रेडियस कौन के रेडियस से आधा हो और सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्स सरफेस एरिया मैक्सिमम, ठीक है। देखो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, सो व्हाट कैन यू डू। देखो जरा, कुछ समझ नहीं आ रहा, सुन तो क्या ही करेगा। सिलेंडर की हाइट को एच मान लें, सॉरी कौन की हाइट को एच मान लें और सिलेंडर की हाइट को स्मॉल एच मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारा फोन, जो हमारा सिलेंडर है वो टॉप को नहीं टच करेगा। कैसे करेगा, कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं इससे बहुत टच करेगा, बॉटम, अगर यहाँ टच करेगा तो सिलेंडर बनेगा कैसे, फिर तो सिलेंडर बाहर निकल जाएगा, बॉटम को टच करेगा, बॉटम टच करेगा बट उसको नहीं करेगा। अच्छा ओके बॉटम को टच करेगा,
ये जो ए बी डिस्टेंस है ये कितना हो गया, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ए बी डिस्टेंस कितना होगा? बी डिस्टेंस, हाँ, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। हाँ जी, ठीक है, ये ओके। तो ये क्या कह रहे हैं, एच माइनस एच, एंड ये हमारे पास। अच्छा, इस ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी एंड सी एंड सेकंड ट्राइंगल ए डी एंड ई, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल कौन सी, ए डी ई, एडी। ए डी ई, ए डी ई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल। कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल ए डी ई, दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर राइट, ट्राइंगल, वो राइट हाइपोटेनस साइड से। सिमिलर ट्राइंगल है। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हैं, क्या करें हम इसमें? बट प्रूफ करना पड़ेगा कि सिमिलर, प्रूफ करना पड़ेगा कि सिमिलर। जरूरी नहीं, वो हमें नहीं करना। तो दिस ए बी अपॉन, ए बी अपॉन ए डी इसके बराबर होगा, बी एसी सी अपॉन, दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो ए बी अपॉन ए डी किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन डी के बराबर। एसी अपॉन ए के बराबर भी तो होगा। हम तो वो चाहिए लेंगे ना जो हमें चाहिए। अच्छा, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि वो सारे से प्रोपोर्शनल हो जाते हैं एक दूसरे से, सारी साइड्स। ए बी की वैल्यू हमारी एच माइनस एच है, एच माइनस एच है, मैं और लिख ए नहीं रही, समझ रही हूँ, फिर मैं लिखूंगी बाद में। ए बी की वैल्यू हमारी एच माइनस एच है, और ए डी की वैल्यू हमारी कितनी है, कैपिटल एच, कैपिटल इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, बी सी की वैल्यू हमारी आर है, स्मॉल आर, और डी ई की वैल्यू है कैपिटल आर। ठीक है, अब ये हमें क्वेश्चन में करना क्या है, सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया को मैक्सिमम प्रूव करना है। सरफेस एरिया क्या मैक्सिमम होता है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्ड टोटल सरफेस सब एरिया, कर्ड सरफेस एरिया क्वेश्चन में लिखा ना, कर्ड सरफेस एरिया, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 पाई। सॉरी सेकंड, मेरा जूम बंद हो गया, आई कॉन्ट सी द स्क्रीन, एक सेकंड। यस, एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, हमें प्रूव हाँ करना आर इज इक्वल टू आर बाई टू। इस आर को तो हमारी टेंडेंसी हम रख लें और एच को हटा दें, हमारी टेंडेंसी है आर को रख लें और एच को हटा दें। ठीक तो फिर हम उससे वैल्यू है, निकालेंगे। यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये तो उधर जाएगा है ना, आर एच अपॉन आर, एच माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, एच माइनस एच की वैल्यू होगी आर अपॉन दिस। आर ठीक है, एच माइनस आर एच अपॉन आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, एच माइनस स्मॉल आर एच अपॉन आर। ठीक है, कैसे, एलसीएम ले लें, तो एच आर एक माइनस आर एच, हमने उसको, हमें सिर्फ सिंपली स्मॉल आर की वैल्यू चाहिए, तो हम बड़े आर को उधर मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं।
हमें एच की वैल्यू चाहिए। हमें एच, अच्छा ओके हमें हाँ एच की, तो फिर ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारी कैपिटल? तो भी मल्टीप्लाई होगा, एच मल्टीप्लाई नहीं होगा, कैपिटल एच उधर जाके मल्टीप्लाई होगा और फिर सब्ट्रैक्ट होगा। मैंने वैसे ही कर दिया, कैसे अच्छा भी करो एच की वैल्यू निकालनी को। ठीक है, एच की वैल्यू अब हम यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो एस हमारा कितना है? 2 पाई आर एच। एस हमारा है 2 पाई आर एच। एस हमारा है 2 पाई आर। एच की वैल्यू डालनी है ना हमें, और एच की वैल्यू आई है हमारी एच आर माइनस एच आर। एच कैसे रह गया, ये क्या होगा? नहीं, गलत हो गया कुछ। मैं आपको कहा था आपको तो वैल्यू निकालने के लिए वो करना होगा। ये था ना हमारा। हाँ मैं करूँ नहीं, ये कैपिटल है ऐसा, ये कैपिटल है इसका। ठीक है, देखो, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन था हमारा, अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर था। तो मैंने एच को उधर मल्टीप्लाई किया था, एच माइनस एच इज इक्वल टू आर एच हमें अपॉन एच माइनस एच एच माइनस आर एच अपॉन आर इज इक्वल टू स्मॉल एच। तो ये हो गया। स्मॉल आर स्मॉल आर, तो ये हो गया एच माइनस स्मॉल आर इंटू एच अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल एच। तो ये हो गया एच आर माइनस दिस अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू एच। यहाँ से आप कैपिटल एच को बाहर ले लो, आर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू एच, ये वैल्यू आ गई। हाँ एस हमारा क्या हो गया? 2 पाई आर। और टू एच की पाई जगह आर डाल देंगे एच टू पाई अपॉन आर इंटू आर माइनस आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एच अपॉन आर आर माइनस तो ये हो गया 2 पाई कैपिटल एच अपॉन कैपिटल आर। ये सब तो कांस्टेंट है, इस आर को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर। स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, डीएस अपॉन डीआर, डीएस अपॉन डीआर तो 2 पाई एच कांस्टेंट रहेगा अपॉन में आर, यहां पर आर माइनस 2 आर। ठीक है, पुटिंग डीएस अपॉन डीआर इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलें आगे। हाँ तो फिर आर माइनस टू आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 2 आर ये आ गया। अब आर बाय सेकेंड सेकंड डेरिवेटिव डी टू एक्स बाय डी आर टू। फोर पाई एच अपॉन आर लेस देन 0। एक सेकंड माइनस, हाँ माइनस 2 बचेगा तो माइनस 4 पाई एच अपॉन देयरफॉर लेस मिनिमम
एस इज मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम इंप्रूव करना, देयरफॉर एस इज ना, मैक्सिमम और आर इज इक्वल टू आर बाई टू, ठीक है। जो 37 एग्जाम्पल है ना, इससे जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल, मेरे में 37 है, आपकी बुक में कुछ और होगा, इससे जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल, दिखा दो। ट्रेपीजियम बना हुआ, जस्ट पहले वाला 26 होगा आपकी बुक में, ट्रेपीजियम 25 है, ट्रेपीजियम बना हुआ ना। वाला, उसमें एक स्टेप आया हुआ है यहाँ पर, इस स्टेप को देखो, मिल गया। पहले भी बॉक्स बना दिया उसके आगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इंटू अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। इसके बाद यहां से डेरिवेटिव स्टार्ट किया इन्होंने, रूट के साथ में डेरिवेटिव करोगे तो काफी मुश्किल हो जाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव तो और मुश्किल हो जाएगा। तो हम आप एक स्क्वायर स्क्वायर अज्यूम कर लिया, इसको एफ एक्स या कुछ भी मान लो, इसको एरिया था तो ए ही मान लो, तो एरिया स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू 100 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब इसको जेड अज्यूम कर लो, सो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर इंटू, इसके दो फैक्टर बनेंगे 100 माइनस एक्स या 100 प्लस एक्स, या ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 100 माइनस एक्स, 100 प्लस एक्स वाला इसके साथ मिल जाएगा, 10 प्लस एक्स वाला, 10 + x हो। हाँ, उसके बाद इसका डेरिवेटिव कर देना डी जेड अपॉन डी एक्स, तो इजी हो जाएगा, ठीक। ठीक है। ओके, हाँ जी, मिसलिन इसका ये वाला एग्जांपल दिया आपके बुक में, ये फिगर। हाँ है शायद है। हाँ जी, हाँ देखो पुरानी बुक का एग्जांपल 43 है, नई बुक का कौन सा बताना जरा, जी है। नई बुक का 31 है। ए वाटर टैंक हैज ए शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, वाटर टैंक हैज शेप ऑफ इन्वर्टेड कोन, कौन ये इन्वर्टेड कोन है, वाटर टैंक हैज ए शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन विद एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस इसका कैसा है, वर्टिकल दिया हुआ है, वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, वर्टेक्स यहाँ पर है, एक्सेस वाटर का मतलब ऐसे वर्टिकल जैसे ऊपर खड़ा हो, जैसे प्लांट्स आर स्टैंड वर्ट, प्लांट स्टैंड वर्टिकली, ए वाटर टैंक हैज शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कॉन विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये होता है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल हमें कितना दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.5, 0.5 का मतलब 1/2, 0.5 का मतलब 1/2, वाटर इज पोर इनटू इट एट ए रेट ऑफ 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, इसके अंदर जो पानी डाला है वो किस रेट से डाला जा रहा है, 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, तो पानी जिस रेट से डलेगा अंदर, जो एक पानी कौन बनाएगा, वाटर इसके अंदर क्या बनाएगा, एक छोटा कौन बनाएगा, और उस छोटे कोन का वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे पानी डालते रहेंगे कोन का वॉल्यूम चेंज होता रहेगा, किसी स्टेज पे उसकी हाइट, उस कोन की हाइट एच है जो अंदर छोटा कोन बनेगा, और उसकी रेडियस आर है, ठीक है, ठीक है। ओके। तो वो अंदर भी जो कोन बनाएगा वो कोन इस टाइप से होगा, तो यहां से हम आर अपॉन एच निकालें तो क्या होगा, आर अपॉन एच आएगा 10 अल्फा, आर अपॉन एच की वैल्यू हो गई, अच्छा यहां से अगर 10 अल्फा निकालते हो तो 10 अल्फा कितना आएगा, हाफ, अल्फा की वैल्यू थी 10 इनवर्स हाफ, तो 10 अल्फा हो गया हाफ, सो इट इज हाफ, करेक्ट।
अंदर जो ये कॉर्न बन रहा है, इसका वॉल्यूम जैसे जिस रेट से पानी इसके अंदर डाला जा रहा है वैसे ही इसका वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, वॉल्यूम जो चेंज होगा, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dV अपॉन dt, ठीक और वो हमें दिया हुआ है 5 क्यूबिक मीटर पर आर। ठीक है, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h, dV अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, दिस इज 5। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम dV अपॉन dt 5 दिया हुआ है। ओके, हाँ 1/3 तो कांस्टेंट हो गया, नहीं बाद में करेंगे डेरिवेटिव, किसी एक वेरिएबल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, मतलब हाइट के बारे में पूछा है, फाइंड द रेट ऑफ लेवल ऑफ वाटर राइजिंग, हाइट किस रेट से चेंज हो रही है, एच के बारे में पूछा है। तो एच को हम रख लेते हैं, आर को हटा देते हैं, तो यहां से आएगा 2R इज इक्वल टू, यहां से वैल्यू आएगी R इज इक्वल टू h/2। क्या वैल्यू आएगी? R इज इक्वल टू h/2। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी? एच h बैटर बाई R इज इक्वल टू h/2। सो पाई R² हो गया, h² बाई 4 इंटू h, दिस इज 5। तो ये हो गया d/dt इंटू 1/12 पाई h³। वन अपॉन 12 पाई तो कांस्टेंट, h³ का डेरिवेटिव करेंगे, और h³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3h² इंटू dh/dt। ठीक है, हमें हमें dh/dt फाइंड करना है, dh/dt फाइंड करना, तो होगा 5 इंटू 12 अपॉन में पाई इंटू 3h² सब उधर चला गया, 3 और 12 कैंसिल हो जाएगा फिर। 3 से कैंसिल कर दो, 4 हो गया। और इन्होंने बोला है व्हेन हाइट ऑफ द टैंक इज 4, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कब निकालना है? जब आपकी हाइट क्या हो? 4 हो। ठीक है, तो आप हाइट को 4 डाल देंगे, 5 इंटू 4 अपॉन पाई इंटू 4 का स्क्वायर, ये कट हो गया 5 अपॉन 4 पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर डालते नहीं है यूजुअली, 5 अपॉन 4 इंटू 22 इंटू साल डाले 35 अपॉन 80। ठीक है, मीटर पर आवर हाइट है, हाइट की यूनिट होगी मीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है मीटर पर आवर। ठीक है, चलो मैं आगे, पहले तो प्लीज इधर ऊपर करती हूँ मैं लिखा। तो 1 सेकंड ऊपर कर दो। बिगनिंग से नहीं नीचे कर दो। तो
जब ऐसे एग्जाम में आएगा तब वैल्यू डालनी है पाई की या नहीं, इस बाकी क्वेश्चन में तुम नहीं डाले थे जो नहीं फर्स्ट टेस्ट डालोगे थे। तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई की वैल्यू का कोई मार्क्स नहीं कटते ऐसे। इससे नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, मेरी बुक में 44 है, आपके में क्या है? थर्टी टू होगा। 32 वो ए और मैन ऑफ मैं हाइट 2 मीटर, ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, 2 मीटर का एक आदमी है, ठीक है? ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट, ठीक है? फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ द हिज शैडो। मान लो ये लैम्प पोस्ट आपका, ए बी क्या है, लैम्प पोस्ट की हाइट है, और ये मैन है सी डी, ठीक है? ए बी इज हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ लैम्प पोस्ट, सी डी इज मैन, लैम्प पोस्ट की हाइट 6 मीटर है, मैन की हाइट 2 मीटर है। ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। मैन की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ इज शेडो चेंजिंग। देखो मैन यहाँ पर है और ये इससे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो ये डिस्टेंस चेंज होगा, और ये डिस्टेंस किस रेट से चेंज होगा, जिस रेट से, मान लो ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, ठीक है? मैन अगर दूर जाएगा तो ये एक्स चेंज होगा, और एक्स का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, डीएक्स बाई डीटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स क्या होगा, डीएक्स बाई डीटी। ये उसकी शैडो है, ठीक है? सीई क्या है, उसकी शैडो है। जैसे जैसे वो आगे लैंप पोस्ट से दूर जाएगा, सीई भी चेंज होगा। तो हमें डीएक्स बाय डीटी की वैल्यू पता है बेसिक, मतलब डीएक्स बाय डीटी के बिना। शैडो का जो रेट ऑफ चेंज होगा, डीवाई बाई डी टी होगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ इस शैडो। शैडो का जो रेट ऑफ चेंज है वो फाइंड करना है, यानी कि आपको डीवाई बाई डी टी फाइंड करना है, और ये आपको दिया हुआ है जिस स्पीड से वो दूर जा रहा है, रेट ऑफ चेंज उसी से इंक्रीज होगा, ठीक है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो ये डी एक्स बाई डी टी होगा 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये आपका डी एक्स बाई डी टी होगा। आपको डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, तो डी वाई बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी गिवन है, डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, तो गिवन और फाइंड के बीच में आपको एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होगा। वो रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी, एंड सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, हाँ, अगर हम बड़ी बड़ी ट्राइंगल को देखें, ए बी ई को, इन ट्राइंगल ए बी ई, एंड छोटी ट्राइंगल को देखें, सी डी ई, सी डी ई ट्राइंगल, दिस एंड दिस, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं, सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब ए बी अपॉन क्या, सी डी, ए बी अपॉन सी डी किसके इक्वल होगा, ए बी इस बड़ी लार्जर ट्राइंगल की, जो बड़ी वाली ट्राइंगल है उसकी साइड है, सी डी छोटे वाले की साइड, तो अपॉन में क्या आएगा, बी ई अपॉन अपॉन सी डी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी मतलब अकॉर्डिंग इनकी टू, पोलैरिटी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं, हम बस ये लिखते हैं ए बी ई सिमिलर टू सी डी नहीं ई। सीधी सीधा लिख दो, सीधा लिख दो, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल दिस एंड दिस आर सिमिलर, एज ट्राइंगल ए बी ई एंड सी डी ई आर सिमिलर, या सीधा लिख दो, दिस इज सिमिलर टू दिस, बीच में सिमिलरिटी का साइन लगा दो, सिमिलरिटी का साइन होता है ना ऐसे, वो लगा दो, ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू दिस, देयर फॉर ये होगा, ए बी की वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू 2 है, बी ई की वैल्यू एक्स है, और बी की वैल्यू एक्स प्लस वाई है, प्लस वाई और और वाई है तो वो नीचे वाई है, तो क्या 6 वाई इक्वल टू 2x प्लस 2 वाई, वो कर दो ना, मतलब उसको 3 कर दो, 2/6 को 3 वाई। ये लो खुश, 3 वाई इज इक्वल टू एक्स थ्री प्लस वाई वाई इक्वल टू x प्लस 2y, तो ये आ जाएगा 2y इक्वल टू x। इक्वल टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दो, टू अब तो इंटू मिल डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी,
इनटू dx/dt, तो 2dy/dt, dx/dt की वैल्यू में गिवन है 5, dy/dt कितना आ जाएगा? 5/2 फाइव डिवाइड बाई बाय किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर बराबर। यही आपको फाइंड करना है। बस ये तो इजी ये फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन था ना, रेट ऑफ चेंज का, ये मैक्सिमम मिनिमा करना था। एग्जाम्पल 47 करेंगे आप, जो मेरी बुक में 47 है वो करेंगे। मेरे बुक में जो 47 है, फाइंड द इंटरवल ऑन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। कर रही मेरी बुक में 47, आपके में क्या है? 38, 33 33। 33। एग्जाम्पल 50 भी करेंगे आप, मेरी बुक में 50 50 है ये वाला, देखो आपके में क्या है। सिक्स 36, आपको 36 है। ये वाला भी 51, मेरी में 51 है, आपके में देखो क्या है। मैन्युफैक्चर सेल्स आइटम वाला, हाँ फिर 37। 37, तो 37 भी आप करेंगे। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। आपकी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है? टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद फिक्स बेस बी, ये इससे पहले वाला भी है। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स इज मैक्सिमम एट टी, ये ये है कैसे करेंगे? कितने क्वेश्चन है टोटल आपकी एक्सरसाइज में? 1 कर रहे हम कि नहीं? 16। 16 क्वेश्चन है, ओके। मतलब सिर्फ 4 क्वेश्चन कटे हैं इसमें से? नहीं, 24, 8 क्वेश्चन कटे हैं। पहला हमें नहीं करना, मेरी बुक में सेकंड है, एफ आपकी बुक में फर्स्ट है। एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स, हमें ये प्रूव करना है कि मैक्सिमम एट ई, मैक्सिमम एट ई ए पे ये मैक्सिमम है, डिफरेंशिएट करो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर होल स्क्वेयर, ठीक है, एक्स स्क्वेयर एज इट इज। घर में रहते हो ना, जी भी कहोगे सड़क पे कौन रहता है सर, मतलब आप प्लॉट वाले घर में रहते हो। हाँ हाँ सोसाइटी में इंडिपेंडेंट हाउसेस। फ्लैट में बड़ी दिक्कत होती है, ऊपर कोई छत फोड़े जा रहा है। कर सकते हैं सकते हैं वो 2 से 12 के बीच में, मतलब 9 से 5 बजे के बीच में तो काम कर सकते हैं। किसी का कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा ना, पर वो तोड़ रहे होंगे कुछ। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x, वहां पे एक्स स्क्वायर क्यों आया? एक्स लिख नीचे तो एक्स है। दो, लॉग एक्स इंटू, अच्छा एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, ये कट हो गया। अब 1 - log x अपॉन एक्स। वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन एक्स, इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 1 - log x इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज log x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज log x इज इक्वल टू, 1 को आप log e लिख सकते हो, log e क्या होता है? 1, तो x आ गया आपका ठीक है। डबल डेरिवेटिव निकाल दो एफ डैश एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू द पावर 4 हो जाएगा नीचे तो क्यू या एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। डैश भी एक्स स्क्वायर। करेंगे इसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं ना न्यूमरेटर का, तो जीरो हाँ तो माइनस माइनस वन अपॉन एक्स। माइनस एक्स प्लस प्लस नहीं माइनस सॉरी
इसका हो टू जाएगा, एक्स अपॉन लॉग इनटू लॉग यहाँ से कट हो जाएगा, तो एक्स माइनस माइनस टू एक्स माइनस इंटू वन टू एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स, तो बेसिकली आंसर आया माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर। 1 माइनस 2 मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स हमने कॉमन ले लिया ना, 2 माइनस 2 log x अपन एक्स एक्स। का मैंने एक्स एक्स कहाँ से कॉमन लिया हमने? मैंने तो मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वो अंदर मैंने ब्रैकेट खोल लिया। ऐसे ही कर, ऐसे नहीं करना, यहाँ बचेगा माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस 2 log x अपॉन क्या आएगा, x4, 1 x कट जाएगा, नीचे x3 बचेगा, जाएगा। एफ एक्स हमारा क्या दिया हुआ था, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स दिया था ना, मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। ठीक करूँ, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन थी भी नहीं। मैंने वो खोल दिया एक्चुअली, जो 2x है माइनस 2x तो माइनस टू खोल भी एक्स दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हाँ वही एक्स तो। माइनस 2 x प्लस में 2 x log x, हाँ अब x4 है, ये कट हो गया, क्या बचा, माइनस का x प्लस में ये बाहर मेरा, वहां भी तो माइनस एक्स सर, वहां पे भी तो माइनस एक्स आएगा। आप वो माइनस भूल गए। ओके ये माइनस आएगा, हाँ तो ये माइनस थ्री एक्स आएगा, वही सोचो गलत कैसे है। ओके कितना हो गया ये, माइनस तो खोल के तो माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4। कॉमन ले लें तो -x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, इंटू 1 माइनस log x, ठीक है, अपॉन में x4, 1 x कट जाएगा, x3 आएगा, सो माइनस ऑफ ये बचेगा, 1 बचेगा, 3 हो जाएगा, 3 माइनस log x अपॉन x3, टू एक्स लॉग एक्स टू लॉग एक्स बचेगा ना अंदर, बिकॉज टू वहां लॉग के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा। टू यहाँ पर मिल, हाँ तो फिर 3 अगर हम माइनस इससे एक्स माइनस एक्स भी कॉमन लेते हैं तो थ्री प्लस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस थ्री प्लस टू लॉग एक्स अपॉन एक्स क्यूब। हाँ जी वो एफ डबल डैश एक्स हमें ई पे निकालना है, तो यहाँ एक्स को ई डाल दो, -3 -2 log e अपॉन e3 माइनस हमें थ्री मैक्सिमम प्रूफ करना है। मैक्सिमम प्रूफ करना, log e होता है 1, तो ऊपर आ गया हमारा -3 अपॉन e3, वहां पे तो प्लस है ना, माइनस थोड़ी। अच्छा नहीं, अच्छा माइनस कॉमन लेंगे तो वहां पे माइनस आएगा। यस माइनस टू लॉग ई EQ 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 2 EQ लेस देन माइनस लेस देन 0 है, देयरफॉर हाँ एफ एक्स इज मैक्सिमम कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू ई, हाँ आप कुछ रिवाइज वगैरह कर रहे हो,
यस सर, क्या-क्या कर लिया? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ही रिवाइज किया, पुराना चैप्टर रिवाइज करा आज, है? डेरिवेटिव रिवाइज किया है आपने? नहीं पुराने चैप्टर्स आज से रिवाइज करना स्टार्ट करना है। तो पहले अरे मैं इन्वर्स नहीं कर लूँ, इन्वर्स छोटू से वो खत्म हो जाएगा, या आप बताओ डेरिवेटिव स्टार्ट कर लो, करूँ। इन्वेस्ट कर लो पहले। टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स बेस बी। ट्रायंगल, ये तो कौन हो गया, बेस कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। दो इक्वल साइड है, उनको एक्स अज्यूम कर लो। और ये कह रहा है कि दोनों इक्वल साइड डिक्रीज कर रही है, डी एक्स बाई डी टी डिक्रीज कर रही है, मतलब चेंज हो रही है। किस रेट से चेंज हो रही है? 3 सेंटीमीटर3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिक्रीज कर रहे हैं इस रेट से। माइनस खुद से लिखना है, इक्वल साइड सा डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज द एरिया इन क्लोजिंग, इनक्लोज एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो ये दोनों साइड इक्वल है ना, यहाँ से ही परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये मिड पॉइंट पे कट करेगा ये, लेकिन ऐसा सिर्फ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही होता है, बाकी में नहीं होता है। एरिया हो गया हमारा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस हमारा कितना है? ए बी। हाइट हमारी कितनी है? सी डी। ठीक है, तो एरिया होगा ए बी इंटू सी डी। तो हमें पहले सी डी निकालना पड़ेगा। सी डी कैसे निकलेगा? इन ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए सी डी में हम पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्र माइनस बी बाई टू का होल स्क्र, एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र बाई फोर ए बी। वट इज ए बी? बी सी डी एक्स स्क्र माइनस बी स्क्र बाई फोर। ठीक है, एरिया हमारा हो गया हाफ ऑफ बी इंटू, चलो इसको डी ए बाई डी टी निकाल देते हैं। बी तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? साइड वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? हाफ ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई फोर। तो हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके इसका वो नहीं हटा सकते क्या जो जरूरत है, टू। हमें सिर्फ एक डेरिवेटिव निकालना, दो डेरिवेटिव तो निकालने ही नहीं। एक डेरिवेटिव निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, दिक्कत आती है सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो नीचे रूट आ जाएगा, फिर उसमें क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो लंबा काम हो जाएगा। तो अच्छा इसमें भी एक ही डेरिवेटिव निकालना है, इन टू में -2x। देखो हो गया, अब इतने से के लिए क्या हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, ये कट हो जाएगा। डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 3 दी हुई है। नहीं, वो तो निकालना है ना। अच्छा हाँ, इन टू में यहाँ डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या? 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में भी होगा। करेक्ट, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये कट हो गया, हाफ हमें बी। dx/dt की तो वैल्यू गिवन दी है। हमें निकालनी है वेल इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। कब निकालनी है हमें? डी ए बाई डी टी की वैल्यू नहीं दी है हमें, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू दी हुई है। हाँ वही तो। इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस, यानी कि एक्स इज इक्वल टू बी, इस कंडीशन पे फाइंड करना है हमें। तो डाल दो यहाँ पर -b अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई फोर इंटू डी एक्स बाई डी टी, कितना है? -3। सो ये हो गया -1/2 माइनस बी स्क्वेयर, 4b² माइनस बी स्क्वेयर 3b² बाई 2 पर चला जाएगा। 2 से 2 कट हो जाएगा, -b² अपॉन √3b जाएगा। b से b को कट कर दो, -b अपॉन √3
ऊपर टू कहाँ से आया? इस कैल्शियम लेंगे तो ये बनेगा 4b² - b² अपॉन 4, रूट के अंदर है, 4 रूट से बाहर निकलेगा 2 बनेगा और 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, 2 से 2 कट हो गया, नीचे ये बन गया √3b, ये से कट होगा, इनटू में रैशनलाइज कर देंगे −√3b/3, ये एरिया का रेट ऑफ चेंज है तो cm² होगा पर सेकेंड, या मीटर में हो तो मीटर में हो, सेंटीमीटर भी हो। हाँ जी, ठीक है, यस। 6 एंड अगले 2 समाप्त कर सकते हो। ठीक है, अगले 2 सम्स को आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो 4 sin − 2x हाँ, ये सम वैसा ही है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। FX=4sin x / 2+cos x - यहाँ से x कॉमन ले लो, 2+cos x बचेगा, अपॉन भी 2+cos x है तो ये आ जाएगा 4sin x/2+cos x - x, दिस इज FX। ये वही क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज में किया था, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, मेरी बुक में 9, वहां पर बिल्कुल थीटा है या एक्स है। ठीक ठीक। है, और अगला जो क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, करना है यहाँ तक आप पूरा करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बाय सर। कल ओके। अभी आप स्कूल जा रहे हो, छुट्टियां हैं, कल छुट्टी है छुट्टी है तो क्लास ले लो कल, बिल्कुल ठीक है, आप कर सुबह लो। हाँ, सुबह। ठीक है।